नमस्कार बाल मित्रों, कक्षा 8 एकम हिंदी व्याकरण का टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है उपसर्ग। उप मतलब आगे यानी पूर्व। उपसर्ग वे शब्दांश है, शब्दांश मतलब शब्द का एक भाग। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के पूर्व, सार्थक मतलब अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं उसके पूर्व यानी कि आगे जुड़ते हैं, और जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, यानी कि शब्द का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। जैसे यहां पर शब्द है गुण, हम उसके आगे ये स प्रत्यय लगाएंगे, ये क्या है, एक शब्दांश है, शब्द का अंश है स, उसको हम गुण शब्द के आगे लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा, यानी कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन होगा। सगुण यानी कि गुण एक विशिष्ट प्रकार का अच्छा लक्षण, ऐसा अर्थ इसका होता है, लेकिन उसके आगे स जोड़ने से सगुण यानी कि विशिष्ट लक्षणों के साथ, तो शब्द के अर्थ में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। वैसे ही दूसरा शब्द है योग। योग यानी संयोग, मिलन, लेकिन हम उसके आगे ये वी शब्दांश जोड़ेंगे तो इसका नया शब्द बनेगा वियोग। तो यहां पर योग यानी एक मिलन होता था तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया वियोग यानी कि बिछड़ना। ऐसे ही यहां पर देश, देश शब्द यानी कि किसी भी विस्तार, यानी कि हमारा जो देश है भारत, तो यहां पर देश, और इसके आगे हम पर शब्द लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा परदेश, यानी कि उसके अर्थ में भी क्या हो गया, परिवर्तन, यानी कि ये अपना देश और ये दूसरा देश यानी कि परदेश हो गया। इसी प्रकार ज्ञान यानी कि किसी बात की जानकारी, लेकिन हम उसके आगे अप शब्द लगाएंगे शब्दांश तो नया शब्द बनेगा अज्ञान। ज्ञान यानी कि ये व्यक्ति को जानता था, लेकिन अज्ञान यानी कि अनपढ़, किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो ऐसे कई शब्दांश है जो अलग अलग शब्दों के साथ में जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अ से अज्ञान, अगम, अमर, अहिंसा, हिंसा के आगे आप अ जोड़ेंगे तो अहिंसा हो जाएगा। सत्य उसके आगे अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, असत्य। इसी प्रकार अन, अनपढ़, अनहोनी, अनकहा, अनसुना, अनजान, अनमोल, अनदेखा, ऐसे कई शब्द बनते हैं। ऐसे ही कई शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व यानी कि आगे जोड़कर हम नए शब्द बनाकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, और ऐसे शब्दांश जो है उसको उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अ, अन, क, कु, नी, पर, स, अध, अध यानी अधमुवा, अधकचा, अधपका, ऐसे। जैसे दु से दुखद, दुस्साहस, दुस्वप्न, दुबला, दुगना, ऐसे शब्द बनते हैं। ऐसे ही बीन, भर, चौ, दूर, प्र, उप, स्व, विष, अनु, अव, नीर, कम, ना, बे, बेचारा, बेघर, बेईमान, बेहतर, बेचैनी, बेजोड़, ऐसे बेसुर, ऐसे शब्द बनते हैं। हम दूसरा टॉपिक है प्रत्यय, उसके साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए हम उसकी सरखा उसके साथ में ही करेंगे। वैसे तो हम प्रथम सत्र में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका हम यहां फिर से पुनरावर्तन कर रहे हैं। प्रत्यय, तो प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर, ये उपसर्ग है वह पूर्व आगे जुड़ता था, ये प्रत्यय है वो शब्द के अंत में जुड़ेगा, यानी कि प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे लड़ और उसके शब्द अंत में हम आई शब्द बोलेंगे जोड़ेंगे
तो नया शब्द बनेगा लड़ाई। तो यहां पर लड़ यानी कि झगड़ने की बात, और यहां पर झगड़ा हो गया यानी कि आई प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द बना लड़ाई। वैसे यहां पर दया शब्द है, उसके अंत में लू जोड़ने से नया शब्द बनेगा दयालु। दया मतलब कृपा, और दयालु यानी कि एक व्यक्ति का विशेषण हो गया। जैसे यहां पर नया शब्द एक है और है सुन, उसके अंत में कर प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द बनेगा सुनकर। ऐसे लड़का, उसके अंत में पन प्रत्यय जोड़ने से बनेगा लड़कपन। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रत्यय है जो अंत में जोड़ने से नए शब्द बनते हैं, जैसे औना खेल तो खिलौना, गाड़ी के अंत में वाहन जोड़ने से गाड़ी वाहन यानी कि गाड़ी चलाने वाला, बुख के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द बनेगा बुखा, बच्चा शब्द के अंत में पन प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा बचपन, इंसान के अंत में इयत प्रत्यय जोड़ने से बनेगा इंसानियत, खाट, खाट शब्द है, खाट यानी पलंग, उसके अंत में इया प्रत्यय जोड़िए तो क्या बन जाएगा खटिया, भाग्य के अंत में साली प्रत्यय जोड़ने से भाग्यशाली, झगड़ा के अंत में आलू प्रत्यय जोड़िए तो झगड़ालू हो जाएगा, बाबू के अंत में आयन प्रत्यय जोड़िए तो बाबू आयन हो जाएगा, व्यापार के अंत में आरी प्रत्यय जोड़िए तो व्यापारी हो जाएगा, नौकर के अंत में आनी प्रत्यय जोड़िए नौकरानी शब्द बन जाएगा, शिक्षक के अंत में ई का प्रत्यय जोड़िए तो क्या हो जाएगा शिक्षिका। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग यानी कि वे शब्दांश है जो शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, जबकि प्रत्यय वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से देखें, इसके अलावा आप YouTube चैनल में जाकर भी इसका वीडियो देख सकते हैं, और हमारा ये वीडियो भी YouTube चैनल में रखा जाएगा, आप ध्यान से देखिए और उसका बार बार सुनकर अच्छी तरह से दृढ़ीकरण करें।